करते हैं, इसीलिए कुछ लोगों को होम मीटिंग सक्सेस नहीं होता। होम मीटिंग है ना, पांच लोगों से ऊपर ज्यादा नहीं कर ली। मान के चलो गुलाब जी आज ज्वाइन हुए, जब उनको मैं प्रोडक्ट देने जाता हूँ ना, ठीक है, हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट देने से पहले सब कुछ प्लान बता देते, सब समझाते हैं, लेकिन देने के बाद कुछ समझाते नहीं, देके चले जाते हैं, देके चले, यही करते हैं हम लोग, देके चले जाते हैं। भाई अब तो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, हमें ना छोटी छोटी गलतियां करते हैं, बट वो छोटी गलती तुम्हारे बिजनेस को बड़ा इम्पैक्ट करती है। मैं जब भी मान के चलो गुलाब जी को मैं प्रोडक्ट देने गया ना, आधा एक घंटा उसके बाद बैठूंगा, वापस रिवाइज करूंगा और उनको बोलूंगा, देखो ये सिस्टम का पहला सक्सेस रेशियो ये है, आने वाले 72 ओवर्स में आपको 150 बिल पूरा करना है। आपने कमांड दे दिया उनको, आपको भी पता है कि आपकी टीम में कुछ लोगों ने 150 बिल डेढ़ महीने में किया होगा, किया है ना, और किसी ने डेढ़ दिन में भी किया होगा, और किसी ने किया भी नहीं होगा। आप इस बिजनेस को ऐसा समझो कि जॉब कर रहे हो, जॉब की तरह बिजनेस करो। ये जैसे मैं गुलाब जी को, मेरे गुलाब जी हमारा सिस्टम ये बोलता है कि सच में यहाँ पे फास्ट सक्सेस होना है तो जो सिस्टम बने उस सिस्टम को 100% फॉलो करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। ऑलवेज सिस्टम को प्रमोट करो। लोगों की मेंटेलिटी ऐसी, मैं बोलूंगा ना, मैं बोल दो कर रहा हूं तो ईगो हट हो जाएगा। मैं बोलता हूं, मैं गुलाब जी को बोला, गुलाब जी मैं बोल रहा हूं आपको ये करना है, तो क्या होगा, ईगो हट हो जाएगा। सिस्टम को बीच में रखो, गुलाब जी सिस्टम ये बोलता है आने वाले 72 घंटे में आपको 150 बीवी करना है, उसके माइंड में क्या कमांड दे दिया, 150 बीवी करना है, कितने घंटे में, उसका क्लॉक चालू हो गया 72 घंटे, अभी 8 बजा है, ठीक है, तो 72 घंटे में कैसे, तो रास्ता बताया कैसे करना है, तो उसके लिए 3 होम मीटिंग करनी, कितनी, 3 से 4, जैसा बंदा जैसी मेंटेलिटी जैसा परिवार जैसी लोकेलिटी उस हिसाब से 3 से 4 होम मीटिंग करनी है। उस होम मीटिंग में 5 लोग मैक्सिमम होने चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, हम जान 10-15 लोग भर देते, ठीक है, 10-15 लोग में होता क्या पता है, 6 लोग अच्छी तरह सुन रहे, इंटरेस्ट ले रहे और 7वां नाटक कर रहा है, ऐसा होता है, 7वां नाटक कर रहे हैं, 8वां मोबाइल देख रहे हैं, 9वां उठ के चले जा रहा है, ऐसा होता है। तो कभी भी है ना 5 या 6 मैक्सिमम और मिनिमम 2, इतना लोगों को होम मीटिंग कर रहे हैं, और ये 4 से 5 कर रहे हैं, किसके, जो बंदे को आपने दिया उसके पीछे। 72 घंटे में 100% ये अपना क्राइटेरिया भी पूरा हो जाएगा और पहला फैमिली बॉन्ड भी निकलेगा, तभी उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हम क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं और क्या बोलते हैं, अब तो है ना 2 लोगों को लेके आ। हम ये करते हैं, हमेशा किसी को कन्विंस करना हो बिजनेस में लाना हो ना, तो एक टेक्निक आपको बताता हूं, सर खड़े हो जाओ, ये प्रूवन टेक्निक है, इसमें कोई स्किल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इंसान बहुत इमोशनल है। सर आपका नाम क्या है? मुकेश चंद्र। मुकेश जी को मैंने प्लान प्रोडक्ट एक्सपायर जो भी बताया यहाँ पे, और मुकेश जी डिसीजन नहीं ले रहे, करूं ना करूं, प्रोडक्ट लू ना लू, सिंपल मुकेश जी को सिंपल ये बोला, ऐसा करने का, क्या करने का, पीठ पे थपथपाने का, मुकेश जी टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ, आपका छोटा भाई समझो, आपका बेटा समझो, आपका बड़ा भाई समझो, हम दोनों भाई मिलके आपके जो भी छोटे बड़े सपने पूरे करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, इतना बोलो भाई। क्यों बताए, आप जिंदगी में जब भी पीछे, यानी जिंदगी में कभी फेल हुए या पीछे हो गए, तब किसी ने आपकी पीठ थपथपाई नहीं, समझो, आपके समझ के चलो आप एग्जाम में फेल हुए और पापा बोले बेटा टेंशन मत लो फिर से ट्राई करेंगे, ऐसा बोले पापा, क्या हुआ आपको, कॉन्फिडेंस आया, जिज्ञासा जागी, मोटिवेट हुए आप। ये हम करते नहीं, आपको रिलेशन बनाना है, उसको परिवार जैसा समझना, आप ये करो तब बैठो, अब ऐसा करो। तो जब भी गुलाब जी को मैं मिला, प्रोडक्ट दिया, 72 घंटे का टारगेट दिया, 72 घंटे का टारगेट दे दिया, गुलाब जी को सिंपल बोला, और मेरे भाई आगे बढ़ना है ना तो सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम ये बोलता है कि आपको 150 भी आने वाले 72 अवर्स में करना ही है, ये सिस्टम बोलता है, मैंने किया उसका रिजल्ट आपके सामने। तो गुलाब जी का माइंड चालू हो गया, क्लॉक चालू हो गया, कैसे करना है बताइए, मैं करने के लिए रेडी हूँ। तो गुलाब जी आपके होम मीटिंग करना है आपके घर में, 5 मिनिमम, मैक्सिमम 5 लोग, मिनिमम 2 लोग, ठीक है। होम मीटिंग कैसा करना आपको सबको पता है, आजू बाजू के लोग, और होम मीटिंग में गलतियां क्या करते हैं पता है, होम मीटिंग चालू हुई 5 बजे वहीं पे चाय लेके आ गए, ऐसा होता है,
मैं बोल रहा हूँ, पांच जन सुन रहे हैं और जिसके घर में होम मीटिंग हो चाय और बिस्कुट लेके आ गए तो पांच वहां पे देख रहे हैं, समझ लो लिंक टूट गया, बिजनेस जीरो, बराबर। तो ये कभी नहीं, खाने पीने वाला सिस्टम होम मीटिंग के बाद ही होना चाहिए। क्यों? जब होम मीटिंग खत्म होता है तो जो चाय पीने के लिए रुकेगा पांच जन, तो पांच जब वो पांच दस मिनट चाय पी तब हो जाएगा फॉलोअप, काउंसलिंग हो जाएगा। और जब पांच जन का होम मीटिंग जब होता है, जिसके घर में हमने होम मीटिंग रखा है ना, उसकी स्पीच सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट करेगी, क्योंकि लोग मेरे पर विश्वास नहीं करेंगे। किसके ऊपर विश्वास करेंगे? जिसके घर में मैंने होम मीटिंग है उसके ऊपर विश्वास करेंगे। खाली ये बोल देना भाई तो मैं कल ही यूज करना चालू किया है, दो दिन से यूज करना चालू कर, नींद बहुत अच्छी आ रही है, पांच जन वहां पे क्लोज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे आदमी ने बोला है, ये थोड़ी ना झूठ बोल सकता है। मैं तो झूठ बोल सकता हूँ क्योंकि मैं तो अननोन हूँ, पर मेरे आदमी ने बोला है, वो तो मेरे सालों से मेरे साथ रह रहा है। अगर ये बोल रहा है तो कुछ तो सही होगा, पांच में से एक दो रेशियो निकल जाएगा। ऐसे तीन चार होम मीटिंग करी ना, उसका क्राइटेरिया भी पूरा हो जाएगा, उसका फैमिली बोनस भी पूरा हो जाएगा पहला। और ये यहां से हो गया डुप्लीकेशन। आपको कोई बड़ी बड़ी जगह पर जाने की जरूरत नहीं, होम मीटिंग सबसे बेस्ट टूल है। तो शिंदे सर है, उनको ये पूछा था, सर आपको कभी नाम सुना नहीं है, डायरी में नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, आप कैसे आगे बढ़े? तो उन्होंने बोला भाई होम मीटिंग ही करता हूं मैं। तो 1,75,00,000 रुपए उन्होंने कमाए इस सिस्टम के कारण। तो आप होम मीटिंग कर सकते हो? यस, इजी है। यस, खाली पांच होम मीटिंग का मतलब क्या है? सिंपल, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है ना वो शेयर करो। होम मीटिंग में हो सके ना तो बिजनेस प्लान नहीं बता देता हम उसमें। देखो बिजनेस प्लान बता दोगे तो आप है ना थोड़ा वो प्लान बिगड़ जाएगा। प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट बताया, पांच जन को प्रोडक्ट बताया, पांच जन का इंटरेक्शन हुआ, उसमें से कोई बिजनेस पर्सन निकलेगा। हमको आइडेंटिफाई करना है कौन बिजनेस के लिए एलिजिबल है, वो हमारी मर्जी है, समझ लो, वो हमारी मर्जी है। तेरे को बिजनेस में लाना है नहीं लाना, प्रोडक्ट यूजर सब लोग है, बिजनेस में लाना ना हमारी मर्जी। उसको आइडेंटिफाई करो, सबका पीएम अप जानो, उसके बाद देखो बिजनेस कैसा होगा। छोटी छोटी गलती हम लोग करते हैं और छोटी छोटी गलतियों को आपको इम्प्रूव करना है, आपका रिजल्ट 100% बढ़ने वाला। कितने लोग रेडी है? और जो बताया वो इजी है क्या? नहीं, yes. तो बड़ा रॉकेट साइंस तो मैंने बताया नहीं, आप ये पहले से कर ही रहे थे, राइट? आप ये सारी चीजें, उसको बोलते हैं रडार, रेंज, वो रडार रेंज में कोई आया। तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी को डेमो प्लान बता दिया, सबको सर को मैंने बताया और मैं चला गया, मैं मेरा रडार में चला, ये अलग रडार में चला गया। और इनका रडार कैसे नेगेटिव, इनका रडार कैसे नेगेटिव, कोई बिजनेस की बात नहीं करेगा, कोई पॉजिटिविटी की बात नहीं करेगा, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, कांग्रेस की करेंगे, इसकी करेंगे, उसकी करेंगे, ये बात करेंगे, बिजनेस पर्सनल ग्रोथ की कोई बात नहीं करेगा। रॉन्ग रडार में थे और इनको मेरे रडार में लाना है, तो मैं क्या करूंगा, उनका नंबर ब्रॉडकास्ट में डालूंगा और उनको मेरा रोज स्टेटस बताऊंगा। तो रोज देखेंगे, रोज देखेंगे, रोज देखेंगे, रोज देखेंगे, तो उसको लगेगा ये भाई कुछ तो कर रहे हैं। आज ही डेट में मैंने इस सिस्टम को फॉलो किया, जिसको 10 महीना 12 महीने 13 14 महीने प्लान बताया था, डेमो बताया था, वो लोग आज जुड़ते हैं। देखो सिंपल टेक्निक है, रडार सिस्टम यूज करोगे ना, मैं गारंटी बोलता हूँ, जिसको भी आपने डेमो बताया है ना, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, एक महीने के बाद, दो महीने के बाद, छह महीने के बाद या एक साल के बाद जुड़ेगा तो सही, क्या तो प्रोडक्ट लेगा, अगर रडार सिस्टम यूज किया। आपको ये रडार में रखना है, उसको रोज बताना है, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सब रोज बताना, उसको स्टेटस बताना, बताना है ब्रॉडकास्ट, बताना है ब्रॉडकास्ट, बताना है। ये सिस्टम यूज करो, जब वो लेंगे ना ले उसका नंबर सेव करवाना है, आपका उसमें करा, उसका उसका हमारे अंदर करवाना है, इजी है। फिर उसको बता बैठाओ, आप एक करके देखो, मैं गारंटी बोलता हूँ रिजल्ट आएगा। आप बोलो सर मैंने 50 लोगों को प्लान बताया पर उसमें से 5 जुड़े, 45 नहीं जुड़े, मैं गारंटी बोलता हूँ 1 महीने 2 साल या 1 साल 3 साल में वो 45 भी जुड़ेंगे। उसको रडार में रखते हो, हम क्या करते, छोड़ देते। लेकिन कभी देखा होगा आपने, आपने जिसको प्लान बताया 9 महीने बाद किसी और के पास जुड़ा, ऐसा हुआ? ऐसा हुआ, आपने प्लान सब कुछ बताया पर आपने रडार में नहीं रखा, वो भी भूल गए और आप भी भूल गए, पर 12 महीने 1 साल के बाद किसी और के स्ट्रक्चर पे वो जुड़ गया, किसी के साथ वो जुड़ गया, ऐसा है? आपने देखा है। क्यों?
क्योंकि उसको तब लगा ये तो सारा करने जैसा है, पर वो भूल गया आपको कि 9 महीने पहले किसने तो बताया, किसने बताया तो मुझे आइडिया नहीं। लेकिन अगर आपने उसको रडार में रखा होता ना तो आपको कॉन्टेक्ट करता यार, ये भाई रेगुलर कर रहे हैं आपके अपडेट दे रहे, सीरियस है, लोगों को सीरियस लोग बहुत पसंद है, समझ रहे हो, तो ये सीरियस है, ये बंदा कर रहा है तो मैं इसके साथ करूंगा, तो आपको है ना रडार सिस्टम का यूज करना और ये बेस्ट हो गया। अपने बिजनेस में ग्रो करने के लिए सोशल मीडिया कंटेंट का सारा यूज करो, मैं ऐसा नहीं बोला हाई लेवल सपोर्ट कंटेंट यूज करो, खाली स्टेटस और ब्रॉडकास्ट। अगर आपको स्टेटस ब्रॉडकास्ट नहीं आता तो यूट्यूब खोलो, यूट्यूब पर ऐसा बोलो कि ब्रॉडकास्ट कैसे बनाना है, यूट्यूब ये भी बोल देगा। आप बोलोगे स्टेटस पर कैसे रखना है, आपको ये भी नहीं आता तो यूट्यूब पर बोलो स्टेटस पर कैसे रखना है, अगर नहीं आता तो आपके नियर एंड डियर सबको आता ही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी हो कर सकते हो। खाली रडार सिस्टम भी यूज करोगे ना आपको है ना ज्वाइनिंग रेशियो बढ़ता जाएगा। कभी कभी होगा क्या पता 6 महीने पहले किया हुआ काम का रिजल्ट आपको आ जाएगा, यानी आप काम करते जाओ करते हो, आज काम किया उसका रिजल्ट 6 महीने के बाद, और नेक्स्ट महीने काम किया उसका रिजल्ट 6 महीने, यानी कि कुछ महीने के बाद आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलेगा। छोटे छोटे काम आपको करना है, सोशल मीडिया का यूज करो, ठीक है। दूसरा हम लोग अभी है ना 8M, देखो 2023 के बाद ई बायोड्रम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करना है, सबको पता है, आपके साथ क्यों करूं, सबसे बिगेस्ट सवाल है, समझ रहे हो। मैं बोला, किसी ने मुझे बोला सर आपको ई बायोड्रम करना, हाँ भाई ई बायोड्रम मुझे करना है, पर मैं तेरे साथ क्यों करूं, समझ रहे हो, ये क्वेश्चन है आज का 2023 का, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग तेरे साथ क्यों करूं, मैं ई बायोड्रम आपके साथ क्यों करूं, करना तो मुझे बट आपके साथ क्यों करूं, तो उसके लिए आपको बेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना पड़ेगा, आपको बिजी रहना पड़ेगा, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना पड़ेगा, तब लोगों को पता चलेगा ये भाई बहुत एक्टिव है, सीरियस है, मैं इसके साथ काम करूंगा। लोगों को वो लोग ज्यादा पसंद है जो उनसे बेहतर है, आप समझो, लोगों को वो लोग ज्यादा पसंद जो उनसे बेहतर है, तो बेहतर बताने के लिए दिखने के लिए आपको सोशल मीडिया कंटेंट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा है ना, सोशल मीडिया ऐसा टूल्स है, आप सो रहे होगे तब भी वो काम करेगा। आपने फेसबुक को पोस्ट रख दी 6 महीने पहले और उसका रिजल्ट आपको 7वें महीने में मिला, 6 महीने आप सो गए पर पोस्ट तुम्हारा काम कर रहा है। इसके लिए सोशल मीडिया कंटेंट का सबसे ज्यादा यूज करना है, उसके लिए खाली रडार सिस्टम भी यूज करोगे ना तो भी धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो होगा, सिंपल राइट। तो सिंपल टेक्निक ये है, मैं ये सारे सिस्टम फॉलो किया था, मैंने कभी बिजनेस अपलाइन का नहीं माना, मैं सिंपल ये बिजनेस माना, ये बिजनेस मेरा है, मैं सोशल मीडिया सीखता गया राइट। और लास्ट नॉट लीस्ट, मैं अभी बहुत जल्दी हम लोग एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिसका नाम है 8M क्लब, नहीं 8AM, ATM को दे दिया सागर सर ने, काम करके पैसा निकालना है, उसको अच्छा लगेगा, आपका आपकी टीम सेमिनार में आने का रेशियो बढ़ जाएगा, छोटा है ना, छोटी चीज है, मैं सिंपल आपको बताऊं, बड़ा काम नहीं करो, छोटा छोटा काम करो, किसी को भी इनविटेशन देना है टीम में, अननोन लोगों को इनविटेशन देना है तो टेलीफोन फोन करो, तो उसके बाद उसको व्हाट्सएप भेजो, तो आने का रेशियो बढ़ जाएगा राइट। तो 8M क्लब सीरीज क्या है बताए, ये हफ्ते में 5 या 4 या 5 बार रहेगा, जिसके अंदर आपको टेक्निक में बताऊंगा कि भाई कैसे बिजनेस करना है, इन्विटेशन कैसे देना है, पोस्टर कैसे बनाना है, सोशल मीडिया पर पोस्ट कितने बजे रखना है, कैसे रखना है, क्या रखना है, क्या नहीं रखने का, खुद का वीडियो कैसे बनाना है, ये सारा A to Z मैं आपको बताऊंगा, और ये आई थिंक सो 3rd या 4th week में चालू हो जाएगा। उसमें से हम पूरे एंटायर ग्रुप में से, जो भी हमारा सेशन से हरियाणा हिसार है राजस्थान है, उस ग्रुप में से हम अलग अलग ट्रेनर लाएंगे, क्योंकि आपको ये अलग अलग कंटेंट पर आपको भी बोलना है, याद रखना ये सारी चीजें आपको भी मिलेगी, आप सीखो, आप बोलो सर को कि सर मेरे पास ये नॉलेज मिल, लोगों को शेयर करना चाहता हूं, लोगों को बताओ, उसका कारण क्या पता है, पहले आप बिकते हो उसके बाद प्रोडक्ट बिकेगा, पहले खुद बिकोगे तो प्रोडक्ट बिकेगा, लोगों को लगता है ये बंदा यार
तो गुलाब जी जूम पर बोल रहे हैं या 100-150 लोग अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, या बंदा बहुत जोरदार है, सुपर है, तो इसके साथ मुझे जुड़ना चाहिए, तो आपको ये मौका मिलेगा और आपको लेना है, मौका है मिलता है, लेना आपका है। आप बोलो सर को सर मुझे जूम लेना है। हम क्या करते रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं। सेमिनार में आके बैठ गए, आप पुनिया जी बोलेंगे, बुरा साहब बोलेंगे, ये बोलेंगे और बोलेंगे, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना। लोग उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो वो लोग नहीं करते, समझने वाली बात है। लोग उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो वो लोग नहीं करते। स्टेज पर कोई नहीं बोलता, जूम के ऊपर टेस्टिमोनियल कोई शेयर नहीं करता, जो करता है वो बिकता है। तो आपको एक चांस मिला है एक सेलिब्रिटी बनने का, एक आइडल बनने का, किसी का मेंटर बनने का, तो यूज करो ना। और कौन देखने वाला, हमारा परिवार कहाँ, हम बाहर को बताने वाले, उससे होगा क्या, आपको इम्प्रूवमेंट आएगा, आप कुछ नया सीखोगे। तो छोटी छोटी चीजें करनी है। तो कोई देखो सक्सेस का या करोड़पति बनने का ई बर्डर में कोई सीक्रेट या शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, खाली सिस्टम को फॉलो करना है और रोज करना है। देखो पार्ट टाइम फुल टाइम भी कुछ नहीं है, कितने लोग फुल टाइम करते हैं ई बायोटेक में, और पार्ट टाइम कितने करते हैं, मैं आपको बताऊं, ज्यादातर आपने ये सुना होगा फुल टाइम करते हैं तो पार्ट टाइम जितना भी पैसा नहीं आता, ऐसा है, और पार्ट टाइम करते हैं पर फुल टाइम जितना भी डबल पैसा आता है, ऐसा है ना। देखो फुल टाइम हो पार्ट टाइम हो एनी टाइम कुछ भी नहीं होता, एक ही होता है, जो भी करो रोज करो, जो भी करो रोज करो। आपको ई बायोटेक करना है, बहुत बिजी हो आधा घंटा दो, पर रोज दो। ऐसा नहीं कि 3 दिन किया, 4थे दिन नहीं किया, 5वें दिन नहीं किया, 6ठे और 7वें दिन कैसा लिया, एनी टाइम कभी नहीं होना चाहिए, पार्ट टाइम कभी नहीं होना चाहिए और फुल टाइम कभी नहीं होना चाहिए, एक ही चीज होनी चाहिए रोज डेली। डेली करने से कंसिस्टेंसी इफेक्ट होती है और कंसिस्टेंसी से कंपाउंडिंग रिजल्ट मिला, ये यूनिवर्सल लॉ है। रोज करोगे ना तो कंसिस्टेंसी फॉलो हो जाएगी और कंसिस्टेंसी से कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलता है। तो आप ई बेडरूम कर रहे हो, रोज एक टारगेट निकलो, घर से जब भी निकलते हो तो भाई रोज एक डेमो मुझे करना है। और सबसे बड़ी खास बात बता रहा हूं, आप कभी भी ये सोच के मार्केट में नहीं मत निकलना कि भगवान मुझे आज एक पैर बनाना है 6000 कमाना है, ये कभी मत निकलो। आप मार्केट में निकलो आज कुछ भी करके 2 प्रोडक्ट बेच ही दूंगा मैं, आ भी सकते हो नहीं भी आ सकते, ये इंटेंस से कभी मत निकलो। याद रखना अगर तुम्हारा इंटेंस अच्छा होगा ना तो ऊपर वाला तुम्हारे हेल्प करेगा। कितने लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। सर रोज उठ के भगवान को प्रे ये करते हैं कि हे भगवान मुझे कर्ज से मुक्ति दिला दे, हे भगवान कोई रास्ता मुझे दे, ये सर रोज उठ के प्रे करते हैं। सिंपल, आप मानते हो ना प्रेयर में पावर होती है। और मैं यहाँ पे घर से बाहर निकलता हूँ भगवान को ये प्रे करता हूँ, हे भगवान आज 2 लोग ऐसे मिला दे जिसका जिसके जीवन को परिवर्तन लाने का माध्यम मैं बन सकता हूँ। मैंने क्या बोला भगवान को, क्या बोला, हे भगवान आज खाली 2 लोग ऐसे मिला दे जिसके जीवन को उन्नति यानी कि परिवर्तन लाने का माध्यम मैं बन सकता हूँ, ये मैंने प्रेयर किया। इसकी प्रेयर क्या थी, इनको प्रेयर थी मुझे कर से मुक्ति दिला दो, इनके वाइब्रेशन और मेरे वाइब्रेशन जमा हुए, कोई ना कोई माध्यम मिल जाएगा मिलाने का, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर ये इंटेंस से जाते हो ना आज सो आज एक पैर आज लेफ्ट में गिरने वाली है, आज कुछ भी करके राइट में एक तो जोड़ी लाऊंगा, उसको बोलते स्वार्थ, काम होगा। मैं जो बड़े सपने से आए ना बड़ा इंटेंस वो नहीं होगा, बड़ा काम नहीं होगा, तो 40-50 हजार जुगाड़ हो जाएगा महीने का, और रोज का 40-50 का जुगाड़ नहीं होगा। इसके लिए इंटेंस बहुत सही रहेगा, अगर इंटेंस, क्योंकि इंटेंस में बहुत पावर होती है, क्योंकि यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होता है। इंटेंस सही रखोगे तो अच्छा काम होगा। करके तो देखो, किसी के बारे में अच्छा सोच के देखो, ऐसा नहीं इसको दूर 6000 आ जाएगा, इसको जो 6000 मामा को दिया 6000 आ गया, मामी को दिया 6000, काका को 6000, नहीं वो टेम्पररी है, अपने को लॉन्ग में जाना है, बड़ा काम करना। हम थोड़ी देखिए बायोटेक में 50-40 हजार कमाने के लिए आए, वो तो है ना मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है, नहीं कमा सकते हम, ये बायोटेक में क्यों आए, रोज का 40-50 हजार कमाना है और लोग कमा रहे हैं वो आपके सामने।
ठीक है माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई पूछता है आपको के साथ, हेलो कोई आपको पूछता है मैं आपके साथ क्यों काम करूं, राइट, आपके ग्रुप के साथ क्यों जुड़ूं, बहुत सारे ग्रुप है मैं आपके साथ क्यों जुड़ूं। देखो कंपनी का भी खुद का एक सिस्टम है, आपके लीडर्स का भी एक सिस्टम है, बट हमारा ग्रुप उसका ही 8 AM क्लब में स्टार्ट कर रहा हूं, जिसके अंदर देखो जीरो मोटिवेशन, उसमें कोई मोटिवेशन की बात नहीं रहेगी, आपको मैं स्किल सिखाऊंगा कैसे करना है, रोज का 1 घंटा विद स्पिरिचुअल एक्टिविटी के साथ। आपका एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी, आप और आपकी टीम उसको 100% प्रेजेंट करें, ये खाली 10-12 बार करो। देखो सबसे बड़ी चीज क्या करती है लोग, मेजोरिटी लोग गलती ये करते हैं, आपको किसी को इन्विटेशन देना है या सेमिनार या जूम हो तो आप लोग क्या करते हो बताए, व्हाट्सअप करते हैं, सही है, व्हाट्सअप को आदेश बोलते हैं, एक आदेश और एक आमंत्रण, कौन सा अच्छा है, आमंत्रण, जब आप व्हाट्सअप से भेजते हो उसको आदेश बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, जब भाई मैंने मैंने मेरे 50 लोगों का मेरा ब्रॉडकास्ट है तो मैंने 50 लोगों को व्हाट्सअप भेज दिया, वे कल 8 बजे ये जूम में आना है, तो आदेश हुआ, पर 50 में से मैंने 50 लोगों को फोन किया, भाई कल एक इम्पोर्टेंट है गुलाब जी, कल एक इम्पोर्टेंट वेबिनार है, आपकी लाइफ की जुड़ी हुई हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा और नया कुछ सीखने मिलेगा, फ्री वेबिनार है, ऐसा 50 लोगों को फोन करो, कितने लोग आएंगे, 20 लोग तो आएंगे, और व्हाट्सअप करो 10 लोग ही आएंगे, वो दोस्त आधा छोड़ के चले जाएंगे। तो हमेशा आपको आपकी टीम को ये टेक्निक यूज करना, इन्विटेशन वो टेलीफोन ही होना चाहिए, सोशल मीडिया है बट वो है ना इफेक्ट नहीं करता। आप देखो कभी भी आप मान के चलो आप हर संडे जो सेमिनार करते हो तो मुझे पता है ज्यादातर लोग व्हाट्सअप भेज देते हैं, भाई आना है आना है आना है, ऐसा नहीं करना, आपको इनविटेशन जाना टेलीफोन। दूसरा आपको सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है, मान के चलो आपकी 50 लोगों की टीम है बट टीम में से 2 ही लोग आ रहे हैं सेमिनार में, ऐसा है 48 लोग नहीं आ रहे, क्यों पता है, हम उसमें भी व्हाट्सअप करते हैं। आप ये करो आपकी जितनी भी टीम आपको लगता है कि इसको आना चाहिए उसको हर संडे यानी कि सैटरडे को फोन करो, भाई कल सेमिनार है, कल 8 बजे सेमिनार है, 10 बजे सेमिनार है, आना है, उसको ये अच्छा लगेगा कि मेरी अप्लाई ने मेरा सीनियर